कल का जो मैच होने वाला है उसके अंदर कई तरह की प्रेरणाएं जुड़ी हुई हैं, कई तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब चाहे वर्ल्ड कप के लिए नहीं, लेकिन मैच की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मैच होने वाला है, नेपाल वर्सेस इंडिया। वर्ल्ड कप का या फिर ऐसे कहें कि सुपर सिक्स का ये दूसरा मैच, और उसके अंदर कितनी तरह की कमिटमेंट किए गए हैं, उनको पूरा किया जा सकता है, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि कल अगर नेपाल किसी भी हाल में जीत जाता है और जीतेगा तो क्या सूत्र रह सकते हैं जीतने के, और अगर जीत जाता है तो कहां कहां जो चीज़ें कही गई हैं वो पूरी हो सकती हैं, और कहां कहां खुशी के माहौल बन सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए नेपाल की दृष्टि से तो कल का मैच सबसे बड़ा मैच है और सबसे अहम मैच भी है। अब आगे जाना है या नहीं जाना वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले भी ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता इस मैच के लिए। इससे पहले आपने कितने मैच हारे, आपके टॉप ऑर्डर ने क्या करा, वो भी मैटर नहीं करता। पिछला मैच जो हुआ था नेपाल वर्सेज बांग्लादेश का, 31 जनवरी को हुआ था, उसके अंदर हमारा टॉप ऑर्डर फिर से काम नहीं करा, और ये सबसे बड़ी बात देखी गई है कि किसी भी मैच के अंदर ऐसी एनर्जी मिली ही नहीं जहां पे हमारा बैटिंग ऑर्डर काम करा हो, ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन कल के मैच के लिए मैं कहूँ कि जितनी भी एनर्जी आपने बचा के रखी है वो पूरी की पूरी लगा दें, क्योंकि लगानी भी पड़ेगी, इतना आसान तो होगा नहीं। एक दुनिया की सबसे टॉपेस्ट टीम के अंडर 19 हैं वो, और आप उनसे भिड़ने जा रहे हैं। बीसीसीआई जो कि पूरा आईसीसी को टैकल कर रहा है, आप उनसे भिड़ने जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल के कप्तान देव खन्नाल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम एक बार जरूर यहाँ पर इंडिया को हराएंगे, एक बार जरूर पाकिस्तान को हराएंगे। तो अब ये मौका भी बनता है कि आप इंडिया को हराइए, क्योंकि कल यानी कि 2 फरवरी को ये मैच होने वाला है इंडिया वर्सेज नेपाल का, और इससे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंतज़ार में हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार में हैं। किसी ने सोचा भी होगा कि अगर सुपर सिक्स में गए तो इंडिया से भिड़ने का मौका मिलेगा। कल एक बार फिर से यहाँ पे आकाश चंद, सुभाष भंडारी या फिर दीपेश खंडेल या फिर ऐसे कहें कि गुलशन झा, जो कि सीनियर प्लेयर हैं हमारे लिए, अंडर 19 में इसलिए हैं क्योंकि उनकी एज अंडर 19 के अकॉर्डिंग सही बैठती है, तो उन सभी में से लगभग मैं तो कहूँ कि सभी को ही बहुत ज़्यादा बढ़िया करना पड़ेगा, और तभी आग जाके हमारा काम पड़ेगा, या फिर ऐसे कहें कि जब ही जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऊपर के बैटिंग ऑर्डर में देखें तो जितने भी हमारे बैट्समैन्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा, यानी कि पूरी टीम को मशक्कत करनी पड़ेगी कल, जब जाके हम मैच के अंदर रह सकते हैं। और उस समय भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास क्लियर जीत है। हाँ, इतने दिन हम कह सकते थे कि अगर हम पूरी टीम मेहनत कर लेते तो कन्फर्म जीत मिलती, लेकिन कल वाला मैच उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा टक्कर का रहने वाला है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी ढील बरती, अगर आपके किसी भी एक फॉर्मेट ने यहाँ पे ढील बरती, चाहे वो फील्डिंग की नज़रिए से देखें, चाहे वो बॉलिंग के नज़रिए से देखें, और ख़ास करके चाहे वो बैटिंग के नज़रिए से देखें, कहीं भी अगर आपने ढील बरती तो आप पक्का यहाँ पे मैच को गंवा देंगे। लेकिन कल का मैच हमें गंवाना नहीं है किसी भी हाल के अंदर, किसी भी चोटी के अंदर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कल यहाँ पे नेपाल करो या मरो की सिचुएशन के अंदर उतरने जा रहा है? क्या कल इसके पीछे और भी रीज़न रहने वाले हैं नेपाल के लिए कि वो जीतने के लिए खेले, इसलिए जीतने के लिए खेले कि उनकी जो विशेज हैं वो पूरी हो? क्या कल के मैच के अंदर देव खन्नाल की स्ट्रैटेजी और ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि खुद ही बैट के जरिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाए? बहुत सारे दिल के अंदर या फिर ऐसे कहें कि मन के अंदर सवाल आ रहे हैं, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता हूं, कि कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।